उन्होंने बोला कि नहीं, किशोर कुमार को ही गाना पड़ेगा क्योंकि मेरे साथ इतना सुपर हिट हो गया है। तो ही दे बोथ फोन्ड आरडी बर्मन, नो नॉट आरडी, आरडी बर्मन को फोन किया, शक्ति सावंत वाज अ प्रोड्यूसर, उनको फोन किया। शक्ति सावंत बोला हो ही नहीं सकता, ये किशोर की बस की बात ही नहीं है, ये क्लासिकल सॉन्ग है, रफी को ही जाएगा। किसी तरह उनको मनाया, तो किशोरदा को फोन किया गया रात को 11 बजे कि किशोरदा ये आपके ऊपर जाएगा, एक शिवरंजनी राग के ऊपर है। तो किशोर का पहला रिएक्शन था कि तेरे राग की ऐसे की तैसी, एक महीना बाद स्टूडियो में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले लता जी का जो गाना है वो मेरे को दे दो, मैं सुनूंगा बैठ के। तो एक महीना गुजर गया, ही वेंट टू द स्टूडियो एंड देन स्टूडियो में जाके कुछ गाना नहीं कर रहा था, बस जोकिंग, इसका टांग खींच रहा है, उसके ऊपर जोक कर रहा है। शक्ति सावंत वाज फ्यूरियस, गुस्सा होके आधा घंटे में स्टूडियो छोड़ के चला गया एंड बोला कि आड़ी को, देख तेरा जिम्मेदारी है, मेरा इतना लॉस हुआ, एक महीने का कितना वेट किया मैंने, कितना प्रोडक्शन लॉस हुआ। देन किशोर चुपचाप बोला कि मेरे को अभी मूड आ रहा है, मेरे को आधा घंटा दो, स्टूडियो में घुस गया, आधा घंटा गुनगुन किया। देन ही डिड अ प्रैक्टिस एक स्क्रैच एंड दैट व्हेन नेक्स्ट मॉर्निंग शक्ति सावंत लिसन, ही सेड दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम किशोर, ही इज फार एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सॉन्ग एंड दिस इज किशोर कुमार। तो गाना आप सुनिए, वही गाना मैं गा रहा हूं। रुत आए रुत जाए, दे
एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। Thank you.